फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ये मैथ के टेस्ट सीरीज है ये, और वो भी एमटीएस के लिए। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमटीएस के लिए, चाहे तो आप एमटीपीसी आरआरबी के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस का, तो आप इसे प्रैक्टिस से लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कहता है, एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 32 वर्ष में 9 गुना हो जाती है, वह 19 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे कैसे बनाना है। जब भी सिंपल इंटरेस्ट में आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसे बनाना कैसे है, देखिए क्या कहा कि 32 वर्ष में ना ये हो जाता है 9 गुना। तो पूछा गया कितने वर्ष में, यानी कि ये 19 गुना जो है, 9 गुना पहले हुआ ना, अब कहता है कि 19 गुना जो है कितने वर्ष में हो जाएगा। तो आप मान लीजिए ना इसे x वर्ष। अब इस तरह से हमने लिख लिया, अब क्या करना है, जितना भी गुना कहा जाए कि 9 गुना 19 गुना, दोनों में क्या करेंगे, -1 कर देंगे और क्रॉस में कर देंगे मल्टीप्लाई, बस हमारा आंसर आ जाएगा 32 गुने। इसे करना है क्रॉस में, 19 - 1 यानी कि कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू, ये हो गया x इंटू 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8। इसे कट कर दीजिए तो 4 टाइम में कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 72, यानी कि 72 वर्ष में ये जो है अपने 19 गुना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है, यदि वह 1 रुपये में 2 वस्तुएं बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इसे कैसे, इसमें सबसे मेन बात कि आपको ऐसे याद रखना है कि हमेशा ना रुपया ऊपर और वस्तु नीचे आपको लिखना है, ओके। और ऐसे अगर यही याद रहता है तो पैसे भी याद रखें कि वस्तु से ना रुपया हल्का होता है, तो हल्की चीजें कहाँ होगी, ऊपर होगी, तो रुपया ऊपर और वस्तु नीचे रखेंगे। क्या कहा कि 1 रुपये में 4 वस्तु, तो चलिए 1 रुपये में रुपया ऊपर 4 वस्तु, इस रेट से अगर बेचता है ना तो उसे 50% की हानि होती है। 50 की हानि का मतलब है कि बेचा कितने में होगा, 50 में, ऐसे समझ लीजिए। अगर आपको 20% की हानि हो रही, यानी बेच आप कितने में रहे, 80 में, तो उसी प्रकार अगर 50 की हानि हो रही है तो आप बेच कितने में रहे, 50 में। तो लिख दिया हमने इसके सीधे में 50। अब बटे में आपको क्या लिखना है कि यदि कहता हुआ 1 रुपये में 2 वस्तुएं बेचे, 1 रुपये में 2 वस्तुएं बेचे तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मान लेते हैं ना कि x प्रतिशत का लाभ होगा, लाभ यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज समझिए कि x यहाँ पे हमने क्या लिखा, x हमने यहाँ पे लाभ नहीं लिखा है, ओके। ये जो हमने लिखा ये क्या है, इधर SP है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, कि 50 की हानि हुई तो बेचा कितने में, 50 में, लाभ कितने के हुआ मालूम नहीं है, तो बेचा कितने में होगा, तो इसे डायरेक्ट हमने x लिख दिया। और अगर आप मानते हैं कि लाभ हुआ होगा x रुपये का, अगर लाभ को ही आप x मानते हैं, x प्रतिशत, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा पता है, 100 + x, ये लिखना होगा आपको, तब जाके हमारा मैथ सही होगा। तो अगर आप लाभ मानते हैं x, तो आपको विक्रय मूल्य क्या करना होगा, 100 + x करना होगा। और अगर डायरेक्टली x मानते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, खुद समझ में आ जाएगा, 1/4 यहाँ मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, और 50 / x। इसे कट कर दीजिए, 2 टाइम में कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आ गया, 100, यानी कि 100 में उसने क्या किया, इसे बेचा। अब 100 से जितना ज्यादा आएगा वही उसका लाभ होगा, 100 से जितना माइनस आएगा वही उसके लिए हानि होगा, लेकिन आया कितना यहाँ, 100, यानी कि ना लाभ और ना हानि। आपसे पूछा क्या गया कि लाभ कितने प्रतिशत का होगा, तो 0% का लाभ होगा, क्योंकि जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा है। अगर आ जाता x का मान 120, इसका मतलब पता है क्या होता कि 20% का लाभ। अगर आ जाता x का मान 80, यानी 100 से कितना कम, 20 कम आया ना, यानी कि 20% की हो जाती हानि, ओके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वह है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है तथा बाकी बचाता है, यानी 75% खर्च करने के बाद जो भी पैसे होते हैं वो उसे बचाता है, बचाकर रखता है। यदि उसकी आय 50% बढ़ती है तथा उसका खर्च भी 80% से बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं।
सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे आय, व्यय, व्यय का मतलब कि खर्च, और यहाँ पे लिख लेते हैं बचत। मान लेते हैं कि आय ना 100% रहा, जिसमें अगर 75% वो खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 25%। अब क्या कहा कि उसकी आय में ना 50% की वृद्धि हो जाती है, तो 50% की वृद्धि यानी पहले आय 100 थी और अब कितना हो गया, 150 हो गया। अब जितना कहता है 50% की वृद्धि, आय पहले 100, 50 की वृद्धि, तो 150 हो गया। खर्च भी ना 80% बढ़ गया, यानी कि पहले था 75 और अब ना 80% बढ़ गया, यानी जो व्यय था ना उसमें 80% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब व्यय कितना होने लगा, 180 होने लगा। आपको अगर इसमें प्रॉब्लम होती है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि 75 का 80% निकाल के और उसमें ना फिर 75 आपको ऐड करना होगा, तब आपको निकल जाएगा कि अभी ना वो एक्चुअल में खर्च कितना कर रहा है। और अगर आप डायरेक्ट 180 करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा आपका, जैसे कि आप दोनों करके देख लीजिएगा खुद से। ओके, 25 से काट दीजिए 3 बार में और इसे काट दीजिए 4 बार में, 4 से फिर काट दीजिए 45 बार में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135। ये क्या कर रहा है, ये खर्च, पहले ना 75 खर्च करता था, अब 135 खर्च कर रहा है आपसे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन, तो देखिए 150 इसका आई है, जिसमें 135 ना वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, दोनों को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब परिवर्तन कहता कितने का, पहले ना 25 बचाता था और अब ना वो 15 बचा रहा है, क्या हो रहा है, 10 की कमी आ रही है। तो आपको निकालना है प्रतिशत कमी, 10 की कमी, कमी हमेशा किस पे, ज्यादा पे, तो बटे 25 लिखेंगे इंटू 100। 25 से इसे काट दें इसे 4 बार में, कितना हो जाएगा, 40% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 60√3 वर्ग मीटर है, तो उसकी ऊंचाई मीटर में क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं ना आपस में बराबर हो, तो इसके ऊंचाई निकालने के लिए आपको सबसे पहले ना भुजा मालूम होना चाहिए। तो भुजा कैसे निकालेंगे, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, और आपको ये दिया गया है 60√3, ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर क्रॉस में मल्टीप्लाई होकर 240 हो जाएगा। ए का मान ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा 240, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 4√15 लिख सकते हैं, रूट में आपको निकालना आता होगा, तो ये 4√15 आप इसे लिख सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, तो √3 लिखा हमने बटे 2 और भुजा कितना 4√15, ये कट हो गया 2 टाइम में, गुना करेंगे ना तो 2 रूट कितना आ जाएगा 45। 45 को भी हम तोड़ सकते हैं, 45 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 3√5 में तोड़ सकते हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6√5 आ जाएगा, यानी कि ऊंचाई कितना हो जाएगा 6√5 मीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला कहता है कि 63 और 345 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं जो कि पूरी तरह से 8 से विभाज्य है, यानी 63 से लेकर के 345 तक इस बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो कि 8 से ना कम्प्लीटली डिविजिबल हो, 8 से पूरी तरह कट जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है, चलिए फिर से बताते हैं इसे। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, 63 में 8 से डिवाइड करना है और 345 में 8 से डिवाइड करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों डिवाइड होके जितना आएगा ना दोनों को घटा देना है, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए दोनों को डिवाइड करते हैं, तो इसका आप डिवाइड कीजिएगा ना तो 7. something आ जाएगा, तो पॉइंट के इधर वाले से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ आपको इससे मतलब रखना है। अब 8 का डिवाइड कीजिएगा ना तो इसका भी 43.12 करके समथिंग आएगा, इसको आपको क्या करना है ना, दोनों को माइनस कर देना, दोनों को आप माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 36, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो 36 संख्याएं हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, अगर वो 405 किलोमीटर की यात्रा एक घंटे के विराम के साथ पूरा करती है तो यात्रा पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इसे पहले सॉल्व करते हैं, क्या कहा गया कि औसत चाल है 45 किलोमीटर पर आवर और दूरी कितनी तय करनी है उसे 405 किलोमीटर की, वो भी एक घंटे के विराम के साथ,
यानी जितना भी टाइम एक्चुअल में उसे लगेगा, लेकिन एक घंटा उसे आराम चाहिए। तो एक्चुअल टाइम हम पहले निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 405 और बटे चाल कितना है 45। इसे कट करेंगे ना तो 9 टाइम में कट जाएगा, यानी एक्चुअल जो टाइम लगेगा उसे 9 घंटे का टाइम लगेगा और एक घंटे का उसे विराम चाहिए। और कहता है यात्रा पूरा करने में कितना समय, 9 घंटे में पूरा कर लेता, लेकिन एक घंटे का आराम चाहिए, यानी कि कितना घंटे लगेंगे उसे तैयार जाने में उस यात्रा में, तो 10 घंटे का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल दिया गया है कि किसी नाव की गति धारा के अनुकूल 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 220 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 130 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा कुल कितना समय लिया जाएगा, यानी कितना समय में वह उस दूरी को तय कर लेगा। विपरीत में 220 और अनुकूल में 130। अब यहाँ पे देखिए, धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ, यानी इसमें नाव और प्लस धारा दोनों की चालें जुट जाएंगी। दोनों जुट के कितना आ गया है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे क्या कहता है, धारा की गति, धारा x और y में, x होता है नाव की चाल और y होती है धारा की चाल, तो y धारा की गति, धारा की गति कितनी हो जाएगी, तो 65 में हम माइनस कर देंगे 5 को, क्योंकि इसमें धारा और नाव दोनों का दिया गया है, या व्यक्ति जो भी कहें आप, इसमें से 5 है धारा की चाल, तो 5 को अगर हम माइनस कर देंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ओके, ये जो निकल गया ये किसका, धारा की गति कितना दिया हुआ था, ये दिया गया था 5, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो निकला ये निकल गया नाव की गति। ओके, आप यहाँ अच्छे से लिख लीजिएगा, अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो, धारा की गति 5 दी हुई थी, तो 65 में अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो नाव की गति निकल जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अलग अलग अगर हम बात करें तो x का मान 60 और y का मान कितना 5 किलोमीटर पर आवर। अब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे कि ऐसे धारा इस ओर चल रही है, बह रही है, अगर आप इसी ओर तैरते हैं तो आपका क्या होता है कि आपकी चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाती है, तो वो होता है धारा के अनुकूल चलना या धारा के साथ चलना। अब अगर यही आप इसके विपरीत आते हैं तो विपरीत में क्या होगा ना, धारा आपका विरोध करेगी, विरोध करेगी तो आपका चाल घट जाएगा, यानी कि विपरीत में दोनों की चाल माइनस कर दी जाती है। तो चलिए, समय आपको निकालना है। समय में क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, लेकिन एक बार आपको जाना है विपरीत और एक बार जाना है साथ में, अनुकूल में। चलिए, विपरीत में कितना दिया है 220 किलोमीटर, विपरीत में चाल माइनस हो जाएगा। ओके, तो धारा की, नाव की चाल है 60 और धारा की चाल 5, माइनस कर दिया हमने। अनुकूल में 130 किलोमीटर, इसमें नाव की चाल है 60 और धारा की चाल 5, प्लस कर दिया अनुकूल में। तो यहाँ पे देखिए 220 यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, प्लस 130 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 65। इसे कट करेंगे 4 टाइम में कट क्या होगा, और इसे करेंगे तो 2 टाइम में कट होगा, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6 घंटा, यानी कि इस यात्रा को तय करने में इसे कितना टाइम लगेगा, तो 6 घंटे का समय। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कहता है कि एक कक्षा का औसत भार 36 केजी है, यदि एक 15 केजी भार वाले छात्र कक्षा में शामिल हो जाएं तो नया औसत भार 33 केजी हो जाता है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। चलिए इसे मान लेते हैं ना कि छात्रों की संख्या x है, x y z जो आपको मानना है, और कहता है औसत भार उसका कितना 36 केजी, तो टोटल भार कितना हो जाएगा 36x मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें ना एक और आ जाता है आदमी जिसका भार है 15 केजी, तो जोड़ देते हैं 15 केजी, तो इसमें विद्यार्थी संख्या जो भी थी x और एक और शामिल हो गया, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया x प्लस 1 और औसत अब क्या हो गया 33 केजी, तो टोटल औसत भार कितना
मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये भी टोटल स्टूडेंट का भार और ये भी, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। सॉल्व करते हैं इसे, 36x प्लस 15 हो जाएगा और यहाँ पे 33x प्लस हो जाएगा 33। इसे इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x बचेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 18 बचेगा, 3 से कट हो जाएगा, x का मान कितना आ गया 6। आपसे पूछा गया था कि छात्रों की संख्या कितनी है, तो छात्रों की संख्या कितनी है 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक रूप मतलब कि समान हो। इसका मतलब ये कह रहा है कि जितना लाभ हुआ ना उतना ही इसका क्रय मूल्य है। जैसा सपोज कीजिए कि अगर 20 रुपए का आपको लाभ हुआ है ना, तो क्रय मूल्य 20 रुपया अगर आपका क्रय मूल्य है ना, तो इसका लाभ भी 20% ही होगा। ये इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है। तो चलिए कहता है घड़ी का क्रय मूल्य निकालिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसे बनाने का ऑप्शन बेस्ट चलिए हम बनाते हैं। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य है 144 और कहता है जितने क्रय मूल्य है ना उतना ही इसका लाभ प्रतिशत होगा। तो चाहे इसमें या तो पूछ दे घड़ी का लाभ प्रतिशत निकाले या घड़ी का क्रय मूल्य निकाले, दोनों का एक ही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं। अगर सपोज कीजिए कि 72 रुपये ने आपने खरीदा, 72 रुपये इसका CP हुआ, तो 72 प्रतिशत का लाभ भी होगा। अगर 72 प्रतिशत का लाभ होगा तो उसे बेचेगा कितने में, वो 172 में बेचेगा। ओके, अब इसे आप कट करें, जब आप ये तो ऐसे पूरा कटेगा नहीं कंप्लीट, अगर आप इसे पॉइंट में लाएंगे ना तो 123.84 ऐसा समथिंग आएगा। ये हो गया इसका SP, जबकि SP कितना है 144। पहला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरे ऑप्शन से चलते हैं हम लोग। अगर 90 रुपये में खरीदा तो 90% का लाभ भी, 90% का लाभ यानी कि 190 में बेचा उसे, ये कट हो गया। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गलत। चलिए तीसरा ऑप्शन हम लोग लेके चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका 80 में खरीदा तो 80% का क्या हो जाएगा, लाभ भी हो जाएगा, तो 180 में बेचेगा उसे, इसे कट कर दे, ये कितना आ जाएगा 144। और यही तो आपका विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। और जब सी सही हो गया तो आगे हम चेक क्यों करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अब अगले सवाल पे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक भाजक भागफल का 25 गुना और शेष का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो भाज क्या होगा। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो मैंने ना यहाँ पे इंग्लिश का लिख दिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। भाज को हम लोग डिविडेंड कहते हैं, भाजक को डिवाइजर कहते हैं, भागफल को क्विटेंट कहते हैं। ओके, चलिए जानते हैं अब भाजक के बारे में क्या कहा। यहाँ पे भाजक के बारे में कहा कि ये ना भागफल का 25 गुना है और शेष का 5 गुना है। तो अगर आप शेष को x मानते हैं तो भाजक कितना हो जाएगा 5x। दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर आप भागफल को लेकर चलते हैं तो कहता है भागफल का 25 गुना और भागफल दिया गया है 16, तो इसका 25 गुना, तो 16 गुना 25 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, यानी भाजक 400। और यहाँ के अनुसार कितना हो जाएगा भाजक 5x। दोनों ही भाजक है तो 5x इक्वल टू हम लोग 400 लिख सकते हैं। इसे अगर कट करेंगे तो 80 टाइम में कट जाएगा। x का मान 80 आया, यानी कि x क्या हो गया शेष, रिमाइंडर जिसे हम लोग कहते हैं, ये हो गया आपका 80। भाजक भी निकल ही गया 400, भागफल आपको पता है 16, तो भाज्य आराम से निकाल सकते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भाजक गुने भागफल और जोड़ होता है शेष। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। भाजक हो गया 400 गुने भागफल कितना 16 दिया गया है, और जोड़ शेष, शेष कितना निकाला 80। ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 6400 और प्लस 80, यानी कि 6480 6480, ये हो गया हमारा भाज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दें, कमेंट करें और इसे जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करें। धन्यवाद।